देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम निशान लगा दिए हैं, जहाँ ये जो हमारा आर्म होल है इसकी फिटिंग है वहाँ पे एक निशान लगा दिए हैं। उसको लगाते हुए यहाँ तक लगा दिए हैं, बारीकी से भी आगे इस तरह से निशान लगा दिए, इस तरह से देखिए, और आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ भी ले लिए। ये चीज़ है बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहे हैं, इस तरह से देखिए मिला देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप ही का चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बिना इंची टेप लगाए ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे, किस तरह से बिना इंची टेप लगाए। अगर आपके पास इंची टेप भी नहीं रहे तो आप ब्लाउज कैसे कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, जब भी समझ में आएगा, आधा देखिएगा तो नहीं आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझा दें, 1 मीटर ये कपड़ा लिए हैं ब्लाउज का, आप इस तरह से ले लीजिए और इसको हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए कटिंग होगा बिना इंची टेप लगाए। खोल देंगे 2 लेयर में, इसको खोलने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, देखिए इसको इस तरह से कर लेंगे। फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा स्किप वीडियो देखिए, स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हम सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से, आप बिना इंची टेप के भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम इसको जिस तरह से ब्लाउज है, ये देखिए ये पूरा ब्लाउज है, इसको इस तरह से देखिए कर देंगे, स्किप मत करिए, पूरा देखिए, जब भी समझ में आएगा। अगर नहीं देखिएगा तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, आधा देख के छोड़िएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा, आधा देखिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस तरह से देखिए, सबसे पहले इसको 4 फोल्ड में इस तरह से ब्लाउज को रख देंगे। ब्लाउज को रखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए ये रख दिए हैं 2 लेयर में, पहले इस तरह से कपड़ा कर लिए हैं और ये ब्लाउज मैं 4 फोल्ड में रख दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना मैं रख ली हूँ, इस तरह से देखिए, आप भी रख लीजिए, इतना रख लीजिए तुरपाई के लिए, ताकि आपके तुरपाई में चली जाए। और ये देखिए जो ये है ब्लाउज तैयार, यहाँ से देखिए नाप लीजिए, ये चीज़ नापिए यहाँ पहले एक बार। देखिए ये है जो हमारा बंद के साइड है, सबसे पहले पीछे वाला पल्ला निकाल रहे हैं, फिर आगे वाला पल्ला आपको निकाल के रख दिए हैं एकदम अच्छे से। आप बैठा के रख लीजिए, ब्लाउज वही लीजिए जो आपका फिटिंग का है, उसी से आप कटिंग करिए, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसको नाप लेंगे, इसको इस तरह से निशान दे देंगे, इस तरह से निशान लगा दिए फ्रेंड्स। ये हमारा देखिए फिटिंग वाला हिस्सा है, यहाँ देखिए ये फिटिंग का है, उसी से हम यहाँ तक निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये चीज़ देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम निशान लगा दिए हैं, जहाँ ये जो हमारा आर्म होल है इसकी फिटिंग है वहाँ पे एक निशान लगा दिए हैं, उसको लगाते हुए यहाँ तक लगा दिए हैं, बारीकी से समझा रहे हैं, ये पूरा एकदम बारीकी से समझिए, जब भी आपको समझ में आएगा, आधा देख के छोड़िएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस तरह से देखिए नीचे में निशान लगा दिए हैं। अब शोल्डर का क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो है ये शोल्डर है, उसको क्या करेंगे, ये फिटिंग का निशान के बाद आधा इंच का और लेंगे ऊपर से, ताकि जो आधा इंच सिलाई में गई है वो यहाँ कटिंग कर रहे हैं तो ये भी सिलाई में जाएगी, तो हमारा पूरा तैयार बढ़िया से बन के होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ निशान लगा देंगे और ये जो है इसका मुड्ढा को सिलाई है, उसको आधा इंच लेते हुए यहाँ ले लेंगे। यहाँ से समझिए, जो ये सिलाई है ब्लाउज की, उसको नाप लेते हुए आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से शोल्डर का लगा देंगे, इस तरह से आप कटिंग करिएगा तो आपका बिल्कुल भी ब्लाउज ख़राब नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। देखिए आधा इंच यहाँ ले लिए हैं, इस तरह से ये इस तरह से देखिए ले लिए हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ले लिए हैं। और ये है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरह से आप इस तरह से नाप सकते हैं, देखिए बिना इंची टेप लगाए हाथ से बता रहे हैं, 2 से 3 इंच आप मार्जिन इस तरह से रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी हम आपको इंची टेप लगाने नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका से सिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से निशान लगा दिए, ये जो आधा इंच यहाँ सिलाई है उसको आधा इंच ऊपर लेंगे हम, देखिए इस तरह से ये सिलाई है उसको ऊपर आधा इंच लेंगे हम, ताकि जब सिलाई हो तो हमारा ब्लाउज ख़राब नहीं हो। इस तरह से देखिए, और आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ भी ले लिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये चीज़ है जो ये चीज़ आधा इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। देखिए कहीं भी हम इंची टेप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहे हैं। इस तरह से देखिए मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स, ये मिला दिए, देखिए ऊपर से ये मिला दिए। अब इसको इसी तरह से गुलाई में इसको दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी आपको हम इंची टेप लगाने नहीं बताएं, अब बिल्कुल बढ़िया से ये ब्लाउज कट के आपकी तैयार होगी। इस तरह से देखिए, ये पीछे का पल्ला हो गया, इस तरह से फ्रेंड्स पीछे का पल्ला हो गया, पहले इसको कटिंग करके हटा देंगे। देखिए पीछे का पल्ला कटिंग करके हटा लिए हैं, अब क्या करेंगे ध्यान से समझिए, इसी पल्ला को उठाएंगे, पीछे का पल्ला कटिंग किए हैं, अब ये जो कटिंग कर रहे हैं, अब इसके ऊपर जो रख रहे हैं, इसको आगे का पल्ला निकालेंगे। तो देखिए कितना आसान से सिखाएंगे, बिल्कुल कम कपड़े में आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग करिएगा तो आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और कम कपड़े में बन के तैयार भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको पहले कटिंग कर लेंगे,
अभी आपको गला और बाजू भी कटिंग करनी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये भी पल्ला कटिंग कर लिए हैं, ध्यान से समझिए ये आगे का पल्ला है ये पीछे का पल्ला है। अभी आपको हम गला भी कटिंग करना सिखाएंगे, बिना इंची टेप लगाए आप कैसे गला कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे आगे के गला, इस तरह से देखिए ध्यान से समझिए ये जो ब्लाउज है इसका आगे का गला है। देखिए इस तरह से देखिए आप रख लीजिए इस तरह से, ये हमारा शोल्डर हो गया। देखिए ध्यान से समझिए बिना इंची टेप लगाए बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं कि किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये है देखिए आधा इंच ऊपर रखेंगे हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे, ध्यान से समझिए ये जो है इसको ऊपर सिलाई के लिए रख देंगे। और ये देखिए शोल्डर है जो आधा इंच इधर रखेंगे, ये जो शोल्डर बाजू जुड़ेगा ये आधा इंच रखेंगे। और ये देखिए आगे का गला है, इस तरह से इस पर निशान लगाइए। और ये जो है इस पर भी आप इस तरह से निशान लगा दीजिए, देखिए इसको लगाते हुए इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। देखिए कितने बढ़िया से आगे की गला बन के तैयार हुई है, इसको इसी तरह से कटिंग करके हम हटा देंगे। देखिए ये आगे का गला हो गया, आपको हम समझा रहे हैं। और इसको देखिए पीछे का गला किस तरह कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए, एकदम आसान तरीका आपको हम समझाएँगे ताकि अगर आपके पास इंची टेप नहीं भी है तो आप कैसे कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज को, इस तरह से मैं बता रही हूँ। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें फ्रेंड्स, हम सिलाई से सारी जानकारी देते रहेंगे और सारी कटिंग के वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और सिलाई भी सिखाएंगे ताकि आपको सारी जानकारी आपको सिलाई से मिलती रहे। इस तरह से देखिए इसको क्या करेंगे, जितना है ये गहरा गला है उतना देखिए यहाँ रख लेंगे, ये ऊपर छोड़ेंगे हम, ये छोड़ेंगे हम जो इसकी शोल्डर है ये जुड़ेगी। और ये देखिए आधा इंच यहाँ भी छोड़ेंगे, ये आधा इंच जो ये बाजू में है जो सिलाई में जाएगी और आधा इंच ऊपर सिलाई में चली जाएगी। और इस तरह से देखिए यहाँ निशान लगा देंगे। और ये जो नीचे का कपड़ा है फ्रेंड्स ये देखिए इतना तुरपाई में चली जाएगी ये, और इतना है जो नीचे बच जाएगा, इतना गला बन के तैयार होगी। इस तरह से देखिए आप अगर कटिंग करिएगा ना आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा और बढ़िया से बन के तैयार होगा। इस तरह से देखिए इसको घुमाते हुए इसकी गोलाई कर देंगे, इस तरह से देखिए इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसकी गोलाई कर दिए हैं, ये पीछे का पल्ला है इसको हम कटिंग करके हटा देंगे। और ये देखिए आगे का पल्ला है, इसके आगे का गला इसकी कटिंग हो जाएगी। आप अब यहाँ और यहाँ से इस तरह से देखिए नाप लीजिए और इसको यहाँ निशान लगा दीजिए, यहाँ निशान लगाने के बाद इस तरह से खींच दीजिए, देखिए ये हो गया। और ये भी देखिए कि कहाँ है, ब्लाउज को ही उठाइए और ब्लाउज से ही यहाँ नाप लगा दीजिए। देखिए ये यहाँ आ रहा है और ये देखिए यहाँ आ रहा है और ये देखिए यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से आप ब्लाउज को ही नाप लीजिए। अगर आपके पास नाप वाला ब्लाउज है तो उसी से नाप लीजिए। ये देखिए एक साइड हो गया, ये देखिए नीचे वाला हो गया टक्स, क्योंकि आप इंची टेप बिना लगाए बनाएंगे ना तो तीरा पट्टी वाला नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए नॉर्मल ही कटिंग करिए बिना इंची टेप का। ये देखिए नीचे का हो गया, इस तरह से देखिए ये एक साइड हो गया और ये देखिए आर्म होल का साइड का हो गया, इस तरह से सारे टक्स को इस तरह से निशान लगा दीजिए। देखिए ये निशान भी लग गया, कितनी बढ़िया से आगे के गला के भी हो गई और ये पीछे का गला के भी निशान लगा दिए हैं, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए अब बाजू निकालना सिखा रहे हैं, किस तरह से आप बाजू निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब बाजू कटिंग करना सिखाएंगे आपको, किस तरह से बाजू कटिंग करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बाजू है, अब इसी नाप से हमें कटिंग करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर तो ये चीज़ तो सिलाई में जाएगी नहीं, नीचे सिलाई में जाती है, तो उसी हिसाब से देखिए आधा इंच इधर छोड़ देंगे, आधा इंच इधर छोड़ देंगे ताकि सिलाई में चली जाए, और एक इंच इधर छोड़ देंगे ताकि तुरपाई में चली जाए। देखिए एक इंच इधर हो गया, आधा इंच आप अगर ज़्यादा रखना चाहें तो ये डेढ़ इंच भी रख सकते हैं। देखिए ये आधा इंच छोड़ दिए इधर, एक से डेढ़ इंच इधर छोड़ देंगे तुरपाई के लिए। अब यहाँ देखिए समझिए फ्रेंड्स ये हमारा फिटिंग का निशान है, देखिए ये फिटिंग का है बाजू का, और यहाँ दो से ढाई इंच यहाँ आप मार्जिन छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ छोड़ दिए हैं और ये इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए इसको निशान लगा देंगे। देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल कट के तैयार हो गया हमारी ब्लाउज, और बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल कहीं भी ख़राब आपका ब्लाउज नहीं होगा इस तरह से आप कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बाजू बन के तैयार हो गया, अब इसको हम इस तरह से
कटिंग कर देखिए कितनी अच्छे से बाजू भी कटिंग हो गई है बिना इंची टेप लगाए हुए। देखिए देखिए ये हमारा दोनों पल्ला कटिंग कर बन गया है, कटिंग हो गया, तैयार हो गया। देखिए इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए पीछे का पल्ला भी कितनी बढ़िया से कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।